आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे, वह है अविपति बिंदु और अविपति पृष्ठ। प्रीवियस लेक्चरों में हमने गोलीय विपंतन के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। इसमें क्या होता है, अगर प्रकाशीय अक्ष पे कोई बिंदु बीम है या बिंदु ऑब्जेक्ट है, तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु नहीं बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय विपंतन कहते हैं, क्योंकि उसमें उपांत तथा जो उपाक्षीय किरणें होती है वह अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर नहीं मिलती है। अविपति बिंदु और अविपति पृष्ठ के उपयोग से इस दोष का निराकरण किया जाता है। प्रकाशीय तंत्र में स्थित ऐसे बिंदु, ठीक है, जो अपना प्रकाशीय तंत्र होता है या प्रकाश तंत्र होता है, उसमें स्थित ऐसे बिंदु जहाँ पर ऑब्जेक्ट तथा इमेज होने से, जहाँ पर अपना अगर ऑब्जेक्ट स्थित होगा या इमेज स्थित होगी, तो प्रतिबिंब में गोलीय विपंतन का दोष नहीं होता है। इन्हें क्या कहते हैं, अविपंति बिंदु कहते हैं। और वस्तु और जो प्रतिबिंब होते हैं वो परस्पर विनिमय हो सकते हैं। जो अपने ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होती है वो परस्पर क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, अतः इन्हें अविपंथी फोकस भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गोलीय विपंतन के दोष को दूर करने के लिए ऐसे दो बिंदुओं पर विचार किया जाता है कि किसी भी एक बिंदु से जो आ रही किरण होती है वो पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई या अभिसारित या अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। इन बिंदुओं को तो अपन अविपंथी बिंदु करते हैं और जो पृष्ठ होता है उसको अविपत्ति पृष्ठ कहते हैं। तो सबसे पहले हम गोलीय विपंतन के बारे में लिखते हैं, किसे कहते हैं गोलीय विपंतन, ठीक है। एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से, एक गोलीय गोलीय अपवर्तक एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अक्षीय बिंदु बीम का बिंदु प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि उपांत तथा उपाक्षी किरणें उपाक्षी किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर नहीं मिलती, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ये दोष को गोलीय विपंतन कहते हैं। ये दोष को गोलीय विपंतन कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है अपना बिंदु, उसकी जो इमेज बनती है वो बिंदु नहीं बनती है। ये दोष तो गोलीय विपंतन कहलाता है। और प्रकाश तंत्र में, प्रकाश तंत्र में स्थित ऐसे बिंदु जहां ये अपना ऑब्जेक्ट तथा क्या होती है, इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट तथा इमेज होने से प्रतिबिंब में गोलीय विपंतन का दोष नहीं होता है। ठीक है।
अभिपंथी बिंदु कहलाते हैं। तो अभिपंथी बिंदु कहलाते हैं। इसमें वस्तु और प्रतिबिंब परस्पर विनिमय हो सकते हैं, अतः इन्हें अवपंथी फोकस भी कहते हैं। जो वस्तु और प्रतिबिंब होते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब वस्तु और प्रतिबिंब परस्पर इंटरचेंज हो सकते हैं, परस्पर विनिमय हो सकते हैं, में हो सकते हैं, अतः इन्हें अविपत्ति फोकस भी कहते हैं। अतः इन्हें अविपत्ति फोकस भी कहते हैं। अभिपति फोकस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि गोलीयपतन के दोष को दूर करने के लिए ऐसे दो बिंदुओं पर विचार किया जाता है कि किसी एक बिंदु से आ रही किरण, ठीक है, प्रस्थ से अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई या आ जाते उस दूसरे बिंदु से आती हुई या फिर अपसरित या अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। इन बिंदुओं को तो अभिपति बिंदु, और जो पृष्ठ होगा उसको क्या कहते हैं, अभिपति पृष्ठ कहते हैं। धन्यवाद।